प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन पुलिस लाइन हमीरपुर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश कुमार ने की। बैठक में पुलिस लाइन में खोली गई कैंटीन के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया और मांग की कि इस कैंटीन में ज्यादा सुविधाएं दी जाए। एसोसिएशन ने मांग की है कि नए पुलिस भर्ती के बाद 8 साल के अनुबंध का विरोध किया है और मांग की है कि इस नियम को बदला जाए। प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन पुलिस लाइन हमीरपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश कुमार ने की। बैठक में पुलिस लाइन में खोली गई कैंटीन के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया और मांग की कि इस कैंटीन में ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। एसोसिएशन ने मांग की है कि नए पुलिस भर्ती के बाद 8 साल के अनुबंध का विरोध किया है और मांग की है कि इस नियम को बदला जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बताया कि एसोसिएशन की बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में नए पुलिस भर्ती के कांस्टेबलों के लिए 8 साल तक अनुबंध पर रहना पड़ता है, इसके लिए एसोसिएशन ने मांग की है कि इस नियम को बदला जाए। साथ ही प्रदेश सरकार का पुलिस लाइन में कैंटीन खोलने के लिए आभार जताया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य रमेश जरियाल, होशियार सिंह के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज की मीटिंग का विशेष मुद्दा ये रहा कि हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके और सरकार का कर्मचारियों को जो कैंटीन की फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में दी है, उसका हमने धन्यवाद किया है। और हमने आगे ये रिक्वेस्ट किया कि जिसके ऊपर जो GST लगता है, इसको भी समाप्त किया जाए ताकि लोगों को और ज़्यादा राहत मिल सके। 2012 तक उसमें जो नॉमिनल है उन्हें सरकार के ध्यान में ऑलरेडी ला रखी है और हमारा सरकार से आग्रह है कि इसके ऊपर शीघ्र से शीघ्र इसके ऊपर तुरंत फैसला लिया जाए ताकि कर्मचारियों को जो उनका बेनिफिट्स है, जो उनको जो ड्यू जो बनता है, उनको समय पर मिले ताकि उनको इसके तरफ से ठीक ढंग से इंसाफ मिल पाए। कर्मचारी कह रहे हैं कि जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हो रही है उनको अब 8 साल के बाद जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहे हैं, उनका ये कहना था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो उनको ला रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इनको हमने बताया कि पता करके हमने सारी जो छानबीन की तो हमें ये पता लगा कि कुछ हमारे ही कर्मचारी जो भर्ती हुए थे, बच्चे पुलिस में भर्ती हुए थे, वो उसमें कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि उसको जो 8 साल के बाद जो भर्ती होंगे उनको नया स्केल दिया जाएगा। तो ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट का जो फैसला है वो सबको मान्य है। इसमें जब तक इसके ऊपर कोई नई अमेंडमेंट नहीं होती है, कोई नया फैसला सरकार ने लेती है, सरकार लेती या कोर्ट नहीं देता, तब तक जो सरकार ने जो डिसीजन लिया वो ठीक है।